डियर स्टूडेंट्स, मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, MS कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है मैगजीन। इसी के कंटिन्यूशन में हम लास्ट टाइम पेट्रोमाइजोन कर चुके हैं। क्लास साइक्लोस्टोमेटा के ये दोनों एनिमल्स हैं। पहला हमने पेट्रोमाइजोन किया था, आज दूसरा करेंगे मैगजीन। इस प्राणी का क्लासिफिकेशन है फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ग्रुप ए नाथा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऑर्डर मैगजीनोइडिया, जीनस मैगजीन। ये प्राणी साइक्लोस्टोमेटा का है और साइक्लोस्टोमेटा के प्राणियों का एक मुख्य लक्षण है कि इनके अंदर सर्कुलर माउथ पाया जाता है। ये सबसे बड़ा लक्षण है जो पेट्रोमाइजोन में भी था और मैगजीन में भी पाया जाता है। सबसे पहले जो हेडिंग है वो है हैबिटेंट हैबिटेट। मेंबर्स बिलोंगिंग टू द ऑर्डर मैगजीनोइडिया आर कॉमनली नोन एज हैग फिशेस। जो मैगजीनोइडिया ऑर्डर के प्राणी हैं उनको सभी को रोज़मर्रा की लाइफ में हैग फिशेस कहा जाता है, कॉमनली हैग फिशेस बोला जाता है। दीज आर एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स। ये पूरी तरह मैरीन होते हैं प्राणी, समुद्री जल में पाए जाते हैं। मैगजीन इज फाउंड एट द कोस्ट ऑफ यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका एंड जापान। ये कोस्टल एरियाज में पाया जाता है प्राणी, और कोस्ट एरिया यूरोप के, अमेरिका, अफ्रीका और जापान के कोस्टल एरियाज में ये जनरली पाया जाता है। इट लिव्स इन द कॉलोनीज ऑन द सी बॉटम। ये कॉलोनीज़ के फॉर्म में या झुंड बना करके सी के बिल्कुल, समुद्र के बिल्कुल निचले हिस्से में पाया जाता है। ईच इंडिविजुअल इन ए मड बरो फीडिंग ऑन पॉलीकीट वॉर्म्स। ये मड जो नीचे मिट्टी होती है उसके अंदर मिलते हैं और वहाँ पर रह करके पॉलीकीट प्राणियों को अपना भोजन बनाते हैं। वॉर्म्स जो होते हैं पॉलीकीटा के, उनको अपना भोजन बनाते हैं। ये है हैबिटेट। अब है इसके एक्सटर्नल फीचर्स। दीज एनिमल्स आर सॉफ्ट, स्केललेस, पिंकिश, इलोंगेटेड, ईल लाइक और वॉर्म लाइक बॉडी। इन प्राणियों की, एनिमल की बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, स्केललेस होती है, स्केल्स नहीं पाई जाती है, गुलाबी रंग की होती है, इलोंगेटेड लंबी पतली, ईल के समान या वॉर्म लाइक, जो जनरली जैसे एस्केरिस वॉर्म है और दूसरे प्राणी जो वॉर्म लाइक बॉडी होती है उनके समान इनकी बॉडी होती है। रीचेज ए लेंथ ऑफ 50 to 60 cm एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। जनरली इनकी लंबाई 50 to 60 cm होती है और एनिमल की बॉडी तीन भागों में विभक्त होती है, हेड, ट्रंक और टेल। इट डिफर्स फ्रॉम लैम्प्रे इन सेवरल वेज। ये लैम्प्रे यानी कि पेट्रोमाइजोन से बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है मैं डिफर करते हैं। सक्टोरियल माउथ इज टर्मिनल विथ सॉफ्ट रिंकल्ड लिप्स लाइक दोज ऑफ एन ओल्ड अगली वुमेन और हैग। सक्टोरियल माउथ होता है, सकिंग टाइप का माउथ होता है, सर्कुलर माउथ होता है, सकिंग एक्शन पाया जाता है, बिल्कुल टर्मिनल पाया जाता है एनिमल की बॉडी पे, और सॉफ्ट लिप्स होती है जिनके ऊपर रिंकल्स पाए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ओल्ड वुमेन, बहुत ही जो है एज वाली जो औरत है उसके अंदर लिप्स और कैसे होते हैं, उस तरह की रिंकल्ड लिप्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं हैग। और इसीलिए इन प्राणियों को कॉमनली कहा जाता है हैग फिशेस। आईज आर डीजनरेट एंड कवर्ड विद थिक स्किन। आईज इनके अंदर डीजनरेट होती है, मीन्स उनके निशान पाए जाते हैं केवल, और थिक स्किन होती है, ऊपर से एनिमल की बॉडी कवर्ड रहती है थिक स्किन के द्वारा। सिक्स कार्टिलेज सपोर्टेड
सिराई और टेंटिकल्स अराउंड द माउथ कंपेंसेट फॉर द साइटलेस डीजनरेट आइज। 6 कार्टिलेज सपोर्टेड सिराई या टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो माउथ के चारों तरफ होते हैं, और ये टेंटिकल्स जो है डीजनरेट आइज को कंपेंसेट करते हैं, क्योंकि एनिमल जो है किसी न किसी को अपना भोजन बनाता है तो उसको ढूंढेगा कैसे, तो इन टेंटिकल्स के द्वारा जो है वो ये कंपेंसेट करता है डीजनरेट आइज को, क्योंकि देख नहीं पाता है इसलिए। द प्रोट्रूसिबल टंग बॉर्डर्ड बाय टू मल्टी टूथ हॉर्नी प्लेट्स सर्व्स एज ए पावरफुल रेस्पिंग टंग। प्रोट्रूसिबल टंग इन प्राणियों का मुख्य लक्षण है। ये टंग जो है दो हॉर्नी प्लेट्स से बॉर्डर्ड रहती है, दोनों तरफ हॉर्नी प्लेट्स पाई जाती है, और जिनके अंदर बहुत सारे मल्टी जो है टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए ये पावरफुल, बहुत ही पावरफुल रेस्पिंग टंग कहलाती है। रेस्पिंग का मतलब होता है छीलना, जैसे हम आलू को छीलते हैं उस प्रकार ये जो है टंग छीलने का काम करती है या ग्रेटिंग का काम करती है। द सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल लाइज क्लोज टू द माउथ। एक अकेली नॉस्ट्रिल जो मीडियन होती है, मीडियन साइड में प्रेजेंट होती है, और ये माउथ के बिल्कुल जो है पास में पाई जाती है। 6 पेयर्स ऑफ गिल पाउचेस आर लोकेटेड फार बियॉन्ड द हेड रीजन एंड देयर एफरेंट डक्ट्स जॉइन इनटू ए सिंगल पेयर ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लिट्स। 6 जोड़ी गिल पाउचेस के पाए जाते हैं जो कि हेड रीजन के बिल्कुल जो है पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, और इफरेंट डक्ट्स जो है इनको जॉइन करती है गिल पाउचेस को, और ये सभी एक जोड़ी एक्सटर्नल गिल स्लिट्स की जिसके अंदर ये जो है ओपन होते हैं। दिस इज़ प्रोबेबली एन एडेप्टेशन टू बरोइंग। ये 6 जोड़ी गिल्स पाउचेस और फिर ये जो है इफरेंट डक्ट्स इनको जॉइन करती है, और अकेला गिल स्लिट के अंदर इफरेंट डक्ट्स एक एक्सटर्नल गिल स्लिट जो है जोड़ी उसके अंदर ये ओपन होती है। ये सारा जो है एडेप्टेशन है इन प्राणियों का बरोइंग हैबिट के लिए, क्योंकि इनके अंदर बरोइंग या बिल में रहने की आदत होती है। लार्ज म्यूकस ग्लैंड्स ओपन अलोंग द साइड्स ऑफ बॉडी। बॉडी के साइड में बड़ी बड़ी जो है म्यूकस ग्लैंड्स ओपन होती है, एंड दीज सीक्रेट इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ स्लाइम, हेंस द अनदर कॉमन नेम द स्लाइम ईल। लार्ज म्यूकस ग्लैंड्स जो इनके अंदर बॉडी की साइड में प्रेजेंट होती है, ये सिक्रीट करती है स्लाइम, एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करती है बहुत ही लार्ज जो है ज़्यादा मात्रा के अंदर, और इसलिए इनको कॉमनली इनका नाम हैग फिशेस के अलावा इनको स्लाइम ईल भी कहा जाता है। ए मिड वेंट्रल फिन एंड ए कॉडल फिन आर प्रेजेंट। एक मिड वेंट्रल फिन पाई जाती है, एक कॉडल फिन इनके अंदर प्रेजेंट होती है। मिक्सिंग अटैक्स इंजर्ड और डेड फिशेस एंड बरोज इनटू देयर बॉडी फॉर फ्लैश कंजम्पशन। मिक्सिंग जो है हैग फिश ये अटैक करती है जो इंजर्ड घायल होती है या मरी हुई फिशेस होती है, और फिर इनको बरो करके, इनको खड्डा करके और फ्लैश का कंजप्शन, इनकी बॉडी में खड्डा करके और फ्लैश का कंजप्शन कर लेती है, फ्लैश को कंज्यूम कर लेती है, और इसीलिए इनको बोरर भी कहा जाता है। BORER बोरर मींस ऐसे बोरिंग हैबिट पाई जाती है, बरोइंग हैबिट कह दो या बोरिंग खड्डा खोदने की। तो इसलिए क्या है कि ये इजीली कोई भी मरी हुई मछली होती है या कोई इंजर्ड मछली है उसको जो है
खड्डा उसकी बॉडी के अंदर खड्डा करके और फ्लैश को कंज्यूम करना और अपना भोजन बनाना। इट इज़ एन इंटरनल पैरासाइट, ये एक तरह से इंटरनल पैरासाइट होता है, मतलब एनिमल की दूसरे एनिमल की बॉडी में जो है आंतरिक परजीविता पाई जाती है इन प्राणियों में। इट इज़ अ सीरियस थ्रेट टू फिशरीज इन सम रीजन्स, बहुत सारे जहाँ पर मछलियों को पाला जाता है या मछलियों का कल्चर किया जाता है वहाँ पे जो है ये हैग फिश या मिक्सिन सबसे बड़ा नुकसान भी कर सकती है मछलियों को, इसलिए ये थ्रेट है, जिससे मींस कि मछलियों को बचाना होता है मिक्सिन से। सो इट इज़ अ थ्रेट टू फिशरीज। अनलाइक लैम्परेज द हैग फिशेज डू नॉट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर टू स्पॉन। लैम्परेज की तरह जैसे लैम्परेज जो है फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए, उसी प्रकार ये हैग फिशेज जो है फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट नहीं होते स्पॉनिंग के लिए। द एग्स हैच डायरेक्टली इनटू मिनिएचर एडल्ट्स विदाउट पासिंग थ्रू ए लार्वल स्टेज। एग्स जो है डायरेक्टली हैच हो जाते हैं अपने ही जैसा छोटा या मिनिएचर एडल्ट प्राणी बना लेता है, यंग वन बना लेता है अपने ही प्रकार का, और इसीलिए इन प्राणियों के अंदर लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ये लोअर कॉर्डेट्स होते हुए भी इन प्राणियों में डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ये भी इनका बहुत बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त होती है। थैंक यू।